ठीक है, हम अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं रज्जू भैया, हम बेईमान हैं, हमने 20 लाख रुपया पप्पू यादव से लिया और ये घर गिरवी रख दिया, और ये घर छुड़ाने के लिए हमने आइडिया दिया था बंटू भाई साहब की दुकान बेचने का, और अब आप बंटू भाई साहब का पैसा ढूंढने के बजाय साला हम पे मुकदमा ठोके दे रहे हैं। इस समय फालतू बात में खर्च करे का ना ही है, नहीं तो 20 लाख रुपया ना हाथ से सरक जाइए। अभी सब किला से बाप बुलाए के ना चुपचाप चल के पैसा ढूंढे के चाहिए। चलिए चलो, चलिए चुपचाप। देखा हमारे भाई लोग कितने चालाक हैं। तो अरे पंडित जी, हमसे जो चालाकी करेगा ना उसको हम झाड़ की टोपी और पोंछी के पॉइंट बनाएंगे। अपने दिमाग को साड़ी की तरफ प्रेस करके ऐसा पाठ पढ़ाना कि उनके अकल ठिकाने पे आ जाए। तब तक बिल्लू रानी, ये सारी सच्चाई हम अम्मा को बता के आते हैं। जैसे अम्मा ने हमें थप्पड़ मारा था, ऐसे अम्मा इन लोगों की पिटाई करेगी तो इन लोगों को दर्द का एहसास होगा। हमारे पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? अरे अम्मा की मार डांट ना इन लोगों के लिए तो बहुत ही छोटी सी बात है, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे हम इनको। पैसों के लिए ना ये सब नाटक किए हैं। अब जब इसी नाटक में ये लोग कंगाल हो जाएंगे ना तब आएगा मजा। पर पंडित जी हम ना किराए पे मकान ले लेंगे इन्हीं पैसों से। अब बस देखते जाइए पंटू जी, एक बार नीलामी तो हो जाने दीजिए, फिर इनकी समझ में आ जाएगा कि नाटक खेलना का होता है। सही कह रही है बिल्लू रानी, वाह क्या दिमाग चलाती है बिल्लू रानी, बिल्कुल बनारसी साड़ी की तरह चकाचक चकाचक। तो अरे वाह, मिस्त्री तो लगा दिया। अरे हाय हाय, अरे हमको ठीक से बिछा तो लेने दीजिए। अरे क्या जरूरत है, हमारा घर है भाई, आराम से अच्छा लग रहा है, बैठने दो ना, सुनो तो। अरे सेट तो कर रखा है, इससे ज्यादा और क्या करोगी? अजय सुनिए। हाँ बोलो। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, सुन रहे हैं, क्या बोलना? वो अम्मा आई थी ना, इधर उधर की बहुत बातें हुई, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था जैसे जो कहना चाह रही है वो कह नहीं पाई हमसे, बहुत परेशान लग रही थी। हम पूछना भी चाहे लेकिन टाल गई हूँ। देखो तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पांडे से बात कर ली, चेतावनी दी थी सबको, हम आपको कोई कष्ट नहीं देगा, टेंशन मत लो तुम। अरे लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही हो? आपको क्या लगता है क्या बात होगी? सब लोग यही सोच रहे हैं कि कहाँ पा जाए और कहाँ लूट लें, अब इसी चक्कर में किसी ने घर गिरवी रख दिया। हमको क्या पता क्या बात होगी, हमको क्या मालूम यार, तुम्हारे खानदान में सबके सब एक से बढ़कर हैं, सबका मिजाज ऐसे ही है। कुछ भी बोलते हैं आप, हमारे खानदान में सब ऐसे ही हैं। कुछ भी क्या, झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं, अबे सबके सब साले वो छूटे घोड़े हैं, हमने लगाम बांध रखी है उनकी, मना तो पता नहीं क्या कर बैठते अब तक। आपको क्या लगता है सब आपसे डरते हैं? सर डरते हैं मतलब, हमसे डरते नहीं तो और क्या है, ये तो क्या हमने इतने साल और क्या किया भैया, पहले ही करते थे हम, खाओ बना के रखा हमने पूरे कन्नौज में, कमाल कर रहे हो तुम भी। तो आपको लगता है कि लोग अब भी आपसे डरते हैं? अब भी डरते मतलब? हाँ डरते हैं भाई। अच्छा कुछ कुछ नहीं है ऐसा, भूल जाइए ये पहले की बात थी, अब कोई नहीं डरता आपसे, कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए आप। ओ बेकार की बात मत करो, कन्नौज में गुड्डू शुक्ला का नाम ले दो, देखो अभी सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है हमारे नाम से। बात कर रही हो, डरता नहीं है। अच्छा रहने दीजिए, ज्यादा शेखी ना बगाड़। ओ एक सेकंड, शेखी वेखी नहीं बगा रहे, फालतू हवाई नहीं मारते हम, तुम्हारे सामने थोड़े मीठे बन जाता है इसका मतलब ये थोड़ा साले कन्नौज में मीठे बन जाएंगे। अच्छा हम तो कभी नहीं डरे आपसे। अच्छा तुम नहीं डरे हैं, तुमको डरा के दिखाएं, कैसे डराते हैं? हमारा हाथ छोड़ो, हमको क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? बेकार की बात करते हो तुम हमसे, दुख रहा है? क्या दुख रहा है? अच्छा छोटा सा दुख रहा है तुमको? बुड्ढे जी सच में दुख रहा। क्या हो गया? रहने दीजिए। अरे क्या फालतू नौटंकी मत करो, हुआ क्या दिखाओ जरा, हटो। हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा दिखाओ ना क्या हुआ है। हाँ वो थोड़ा लाल सा हो गया। क्या हो गया?
अच्छा सुनो, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, अब ठीक है? नहीं। क्या एक और करें क्या? अरे तुम बेकार की बात करते हो यार, कि हम दबंग नहीं है, हम गुड्डू शुक्ला नहीं है। अरे हमारे नाम से डरते हैं लोग यार। अच्छा एक काम करते हो, तुमको हम अपनी दबंगी दिखाते हैं। दिखाएं क्या? दिखाते हैं तुमको। अरे अम्मा घुमा फिरा के नहीं, केस खुल गया है और हारना तय है। अबे अम्मा बंटू भाई साहब अब बिल्लो दीदी ना पैसा लेके जा रहे जमा करावे के खाते, लेकिन ढाका पड़ गए हो और उड़ गए सारा पैसा। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। अरे अम्मा चलो, मैं कहता हूँ अम्मा देखो अब तुम तो आ गई, लेकिन तुम्हारे आने से पहले ही मेरी और इन सब की उम्मीदें टूट गई। का मतलब है अम्मा? मतलब ये है कि जोन लाखों रुपया का इत्र पैदा होवे वाला रहा ना, वो एक ही मिनट में उड़ गया। अरे का इतना घुमा फिरा के बात कर रहे थे रज्जुक दुल्हन, का बोले चाहा था बोलो। अरे अम्मा सीधा सीधा ये बात ये है कि केस खुल चुका है और हम सबका हारना तय है बस। अबे अम्मा बंटू भाई साहब अब बिल्लो दीदी ना पैसा लेके जा रहे जमा करावे के खाते, लेकिन ढाका पड़ गए हो और उड़ गए सारा पैसा। बंटू, ए बंटू दुल्हन, का रे ये सब कैसे हो गया? अरे तुम दोनों जन रहे और कोई पैसा लूट के ले गया, ऐसा कैसे हो गया? ता? अरे हम क्या करें अम्मा, अब आप ही बताओ अम्मा, हम और हमारे बंटू जी कैसे निपटते उन दो तीन मुस्टंडों के साथ? और अम्मा ये बड़ा बड़ा चक्कू और दोनों जनों के हाथ में और एक हाथ में वो क्या बोलते बंटू जी उसको? कट्टा, कट्टा। ता? अब बताओ अम्मा, का 20 लाख रुपया हमारे और हमारे बंटू जी की जान से ज्यादा था का? अम्मा ये जो लोग है ना, ये सारे लोग अम्मा ये सब हम पे शक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा पैसा हमने गायब किया। अब बस बहुत हो गया अम्मा, हम नहीं कर सकते बर्दाश्त, आप बात करिए इनके साथ, नहीं तो ये जो लोग है ना ये आप लोग के दिमाग में भी डाल देंगे जंग। हमका कुछ नोट नहीं पता, हम तो एक ही बात सोच रहे, अरे पप्पू यादव का उसका पैसा ना ही मिला तो वो तो आके हमारे सिर पे फिर से धमकाएगा, तो हमको हमको कोनो बात से मतलब नहीं। अरे कुछ करो तुम लोग, अरे तीन तीन बेटे हो, देखो पैसा तो आ ही सकत है, लेकिन एक पुस्तैनी मकान एक बार हाथ से चल गया तो फिर ना मिली है। तुम लोग कुछ करो, ये तुम्हारा फर्ज है, कुछ करो और इस छत को बचाओ। हम जीते जी तो यहाँ से ना ही जाइए, तुम लोग ये घर का बचाओ, नहीं तो हमारी अर्थी उठावे की तैयारी करो। अरे ओ भिंडी की सब्जी तुमने बनाया? नहीं, वो कानपुर का जो हलवाई है उसने बनाया। अरे हम नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? इतनी मेहनत से भिंडी की सब्जी बना रहे थे और आप पूछ रहे कि कौन बनाए? तुमने ही बनाया है। वो दीदी से ना पूछ के बनाई है। ओ तो हम समझ गए, मतलब खाना तुमने पकाया है बाकी दिमागी मेहनत तो रुंझुन भाभी का है। ऐसे रंजन भाभी खाना तो बढ़िया बनाती है, हैं? भाई ये काबिले तारीफ है तो उनकी तारीफ करना
बहुत लाजमी है, दो जरा फोन, हम उनकी तारीफ कर दे तो फोन पे दो। बहुत अच्छा है, इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में, इतने पसीने बहाकर खाना हम बनाए, और सारी तारीफ आप रुंजन दीदी की करेंगे, हम क्या फालतू हैं? ठीक है, अरे सुनो तो, हमारी बात सुनो, अरे थाली कहाँ लेके जा रही हो, थाली तो दो हमें। क्यों दे हम थाली, पहले पहले बताओ कि खाना कैसे बनाए। अब हम ये कह रहे थे कि खाना जब हमें थाली दोगी तो हम चखेंगे इसे, तब हमें पता चलेगा ना कैसा बनाए कैसा नहीं। दो खाना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब यहीं पे खाओ और जल्दी से टेस्ट करो और हमें बताओ और हमारी तारीफ करो। ठीक है, अच्छा, हमने बनाया खाना। हाँ हम हम ये यही कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब तुम्हारे जैसे बनी है। हमारे जैसा मतलब? बहुत अच्छी। भाई खाने के बीच में घंटी कौन बजा रहा है आप? वो हम देख कर, तुम रहने दो, हम देखते हैं। खाना वैसे बहुत बढ़िया था, खा रहे, पता नहीं कौन आ गया दिमाग खराब। तो मैं कहता हूँ तुमसे जो भी मदद बने वो करो, और गुड्डू को भी समझाओ ना। क्या समझते हैं आप लोग, ऐसे करेंगे और भैया आप लोगों को माफ कर देंगे? भैया आप लोगों से नफरत करते हैं, छोड़ दीजिए माफ करने वाली बात, ठीक है? और हम खुद ही नहीं चाहते कि आप लोगों की बात भैया से करवाएं। ये जो सब कुछ चल रहा है ये ऊपर वाले की लाठी है। देवी। आप लोग यहाँ क्या क्या बात है? अरे कुखन विधवा, ऐसा मत कहो, हम जानते थे कि हम लोगों जो जो तकलीफ पहुंचाई है ना तुमका, वो कितना भी सजा दे दो कम हुई, लेकिन आज हम तुम्हारे दरवाजे पे हाथ जोड़ के तुमसे मदद मांगे खातिर आए। तुम कहे ना कि हम लोग बहुत ही परेशानी में, घर नीलामी हो रहा, बड़ी मुश्किल से कैसे हो साठ घाट करके थोड़ा बहुत पैसा का इंतजाम किए रहे, लेकिन वो भी कौन चुराई लिया, कौन रास्ता नहीं दिखाई पड़ा थे, इसलिए हम तुम्हारे पास मदद मांगे खातिर आए। हम लोगों को बचाए लो डूबे से, नहीं तो सब खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ कुकन, देखो दरवाजे पर आए दुश्मन का भी लोग स्वागत करते हैं, और तुम तो मेरे हो। मैं कहता हूँ तुमसे जो भी मदद बने वो करो, और गुड्डू को भी समझाओ ना। देखो तुम दोनों मेरे दामाद हो भाई, तुम्हें मदद करनी चाहिए। देखिए हम आपकी परेशानी समझ तो सकते हैं, लेकिन आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। घर की जो कीमत है उसके सामने हमारी कमाई कुछ भी नहीं है, इसलिए हम घर की नीलामी नहीं रोक सकते। और रही बात भैया की, तो भैया पहले से ही आप लोगों से रिश्ता तोड़ चुके हैं। अरे मैं कहता हूँ कुकन, देखो अरे मैं मानता हूँ मैं ऊपर से नीचे तक गलत हूँ, लेकिन लेकिन आप मेरी गलती माफ कर दो बेटा। क्या समझते हैं आप लोग, ऐसे करेंगे और भैया आप लोगों को माफ कर देंगे? भैया आप लोगों से नफरत करते हैं, छोड़ दीजिए माफ करने वाली बात, ठीक है? और हम खुद ही नहीं चाहते कि आप लोगों की बात भैया से करवाएं। ये जो सब कुछ चल रहा है ना ये ऊपर वाले की लाठी है। अब हाय हाय काही को कर रहे हैं, अब जो बोए हैं वो काटिए, बबूल के पेड़ में आम मत ढूंढिए, अब जाइए यहां से। देवी।
बात का है, साले जितना मर्जी बुलाने की कोशिश करे बुला ही नहीं पा रहे। बार बार याद आता है हमको, मन तो करा साले सबको चिंता चलाते हैं, बहुत डाले सबको, बर्दाश्त नहीं होता उनसे हम लोगों का साथ रहना। बस तुम्हारे चक्कर में चुप है, कोई और होता ना तो देर डालते हम साले को। हम जानते हैं कि तुम उनसे बहुत प्यार करते इसलिए चुप है, वरना पता नहीं क्या कर बैठते अब तक। तो कुछ मत कीजिए, हम लोग उनके जैसे नहीं है ना। सर ये तो परेशानी है कि हम उनके जैसे नहीं है। सर की हिम्मत कैसे हुई हमरा घर चलाने की, हमरा कुट्टो सकला कर। सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो, कुछ फायदा नहीं अपना खून जलाने वाली बात है। मिट्टू जी, हमका तो ना अभी रुपया में सुलाना विश्वास होता है, मामला टेंशन दिखाते ना विशन है ना ही। अभी अगर बंटू भाई साहब और पिल्लो दीदी का ना टेंट से रुपया गायब हुआ होत ना तो ऐसे ऐसे सन्नाटा मार के सोए ना ही होते। हाँ मिट्टू भाभी, ये कलसन वाली जो कह रही है ना, इस बात पे हम सबको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, समझे? हमको इस पूरे घर की तलाशी लेनी चाहिए। हाँ अभी के अभी हमको जरूर यकीन है पैसा इस घर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हाँ हम बताते हैं, देखिए हम लोग बैंक पैसा लेके आए, उसके बाद ये बंटू भाई साहब और बिल्लो भाभी कब बैंक चले गए, हम कह रहे हैं ये इनकी चाल है। अरे बहुत सोच समझ के इन्होंने ये प्लान बनाया है। मैं कहता हूँ विष्णु जो कह रहा है वो सही कह रहा है, बात में दम तो है। अभी मिट्टू जी, हम का तो लागत है ना अभी सारे धन पे ना इट पिल्लो दीदी है ना कुंडली मार के बैठी है ना। अरे कलसन वाली, अगर कुंडली मार के बैठ सकत है ना तो हम बिना सांस लिए ना बीन बजावत हैं। अरे पैसा तो छोड़ो, रेऊ का ना कचली उतरवाए दिए हम तो के बीमारी से। अबे मिट्टू जी, अभी अम्मा ना अबे फुटपाथ पे ला के फेंक दी हम लोगों को। बे नीलाम होवे से पहले ही ना नीलाम हो गई हम लोगों की जिंदगी। अबे सारा सामान हम लोग का ईमान उमर फेंक दिए, ये जो अम्मा है बेरामी से हम लोगों को बाहर कर दी। बाकी हम भी ना ये जो अम्मा बंटू भैया पिल्ला दीदी को ना बाहर भेज के ही रही है, वो भी फुर्सत से। और एक बार मिट्ठू चिट्ठी ये लोग बाहर गए, फिर बस बिना कोनो चिंता के इत्मीनान से ना तलाशी ले लो। बस अम्मा के सामने ना हमने हाँ में हाँ मिलाई थी। हाय है कलसन वाली, अरे हाँ में हाँ ना में ना सब हम मिला दिए, बस अब देरी ना ही करो, चलो अम्मा के पास। अबे अम्मा, इस तरह से आधी रात को ना माथा पे हाथ रखे से अच्छा ना ही होत है। हम बहुत जरूरी बात किए आए रहे, हमरे बाप कलसन के गिराम पे धान से ना हम अभी बात किए रहे। बेचारा बहुत उदास रहे, कहत रहे कि हमसे तो तुम लोग मदद लियो ना ही, तो कम से कम भगवान से तुम मदद ले सकत हो। देखो कलसन वाली, हमरा दिमाग अभी बहुत ही खराब है,
जलेबी की तरह घुमा घुमा के बात ना ही करो, जो उन कहे कहे साफ साफ कहो। अबे अम्मा देखो अम्मा, हमरे बाप कलसन की ग्राम प्रधान ना कहत रहे हियाँ से चार कोस दूर गंगा के उपार ना इच्छापूर्ति माता का मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है अम्मा, हुआ जोन भी साचे मन से कुछ मानत है ना पूरा हो जाते है। हम तो कहते ना अम्मा, इससे पहले कि पप्पू यादव यहाँ आके चीखे चिल्लाए घर नीलाम करे ना अम्मा, तुम ना बंटू भाई साहब बिल्लो दीदी को लेके ना सवेरे सवेरे निकल जाओ। अम्मा ये जो देवी का जो लीला है ना अपरंपार पोत है अम्मा, कोई सकत है कौनो चमत्कार हो जा। आए अम्मा खसन वाली एकदम सही कहते, तुम बात तो सही कहत हो, जब कौनो सहारा नहीं होता है तो देवी देवता का ही सहारा होता है इंसान का।